तो चलिए अब हम हुक मेलेडी बनाते हैं। ये इस गाने का सबसे कैची पार्ट होगा, इसी से लोग गाने को याद रखेंगे। ये गाने का पीक होता है, सभी बिल्डअप्स इसी में ड्रॉप होते हैं। अगर आपका ये पार्ट कैची नहीं है तो लिसनर्स को ट्रैक पसंद नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगा एक कैची मेलेडी की। एबल्टन 11 आपको कई सारे फीचर्स देता है जिससे आप एक कैची मेलेडी लिख सकते हो। आपको इसके लिए म्यूजिक थियरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छी मेलेडी बनाने के कई तरीके हैं हमारे पास। आप बेसिकली सैम्पलिंग से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी गाने को अलग अलग तरीके से चॉप और मिक्स और मैच करके आप एक यूनिक मेलेडी काफ़ी आसानी से बना सकते हो। आपके पास कई ऐसे VSTs और यूटिलिटीज़ हैं एबल्टन में जिससे आप मेलेडीज़ आसानी से बना सकते हैं। मैं मेलेडी सॉस नाम का एक यूटिलिटी काफ़ी यूज़ करता हूँ, या कभी आप अपने मिडी खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। एबल्टन के नए फीचर जैसे स्केल और फोल्ड फीचर मेलेडीज़ बनाने में काफ़ी मदद करती है। ये आपको की के बाहर नोट्स यूज़ करने नहीं देता और मेलेडीज़ बनाने में काफ़ी आसानी होती है। ऐसा मत सोचिए कि अगर आप AI प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो मेलेडी बनाने के लिए, ये कोई चीटिंग होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो चलिए अब हम ड्रम्स को सुन लेते हैं जो हमने लास्ट सेक्शन में बनाए थे। तो हम जाएंगे मेरे रीसैम्पलिंग ट्रैक में। मैंने यहाँ पर सब कुछ सेटअप कर दिया है मेरे मेलेडी परफॉर्मेंस रैक में। इसके बाद हम एक VST चूज़ करेंगे और अगर मैं चाहूँ तो मैं उसे यहाँ पर रीसैम्पल कर सकता हूँ। तो चलिए एक VST ले लेते हैं जिससे हम अपने ड्रॉप मेलेडी बनाने वाले हैं। मुझे नेक्सस 3 बहुत पसंद है, इसके लीड्स ऑलरेडी प्रोसेस्ड और पॉलिश होते हैं। कभी कभी हम साउंड डिजाइनिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, हमें ऐसे साउंड्स चाहिए जो रेडी टू यूज़ हो, इसीलिए हम नेक्सस 3 यूज़ करेंगे। नेक्सस 3 इतना पॉपुलर है क्योंकि इसकी क्वालिटी ऑफ साउंड्स बहुत अच्छी है। ये साउंड्स इस जॉनर के लिए एकदम परफेक्ट है। तो हम F# माइनर स्केल में काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड पे कुछ मेलेडीज प्ले करूँगा। मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा जिससे आप मेलेडीज प्ले कर सकते हो। और मैं इस मिडी क्वांटाइज को एक्टिवेट कर देता हूं जिससे मैं कीबोर्ड पे एक्सपेरिमेंट कर पाऊं। तो अगर मैं इन टाइम या फिर थोड़ा स्लो प्ले करूं तो ये क्वांटाइज कर देगा उसे। इससे हमें मेलोडिक आइडियाज क्रिएट करने में आसानी होगी। लेकिन जब आप मिडी रिकॉर्ड करते हो, ये करेक्टेड वर्जन रिकॉर्ड नहीं करते, इसीलिए मैंने मिडी कैप्चर यहाँ पर सेटअप किया है कि जब भी मुझे करेक्टेड या क्वांटाइज मिडी चाहिए तो मैं उसे यहाँ से उठा सकूँ। मुझे हर बार इस प्रोसेस को नहीं करना होगा। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। हमारा क्वांटाइज मिडी ऑन है, हमने की भी सिलेक्ट कर ली है, तो हमें जो लीड चाहिए हम उसे सिलेक्ट कर देते हैं। हम साइड चेन को भी ऑन कर देते हैं यहां पर। आप देख सकते हैं कि हमें थोड़ा सा गेन रिडक्शन मिल रहा है यहाँ पर।
तो हमने यहाँ पर सब कुछ सेट कर दिया है, तो चलिए एक लीड लेते हैं। ये EDM लीड्स होंगे। तो चलिए सुनकर देखते हैं कि हम यहाँ कुछ बना पाते हैं या नहीं। मुझे ये लीड काफी पसंद है। चलिए हम कुछ और ट्राई करते हैं। ये साउंड सिलेक्शन का सबसे हार्ड पार्ट होता है। राइट लीड ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये लीड ट्राई करते हैं। ये अच्छा साउंड कर रहा है।